सही है, लेकिन इन तबकात के लोगों को इनका हक नहीं दिया गया और दीगर पसमानदा अकलियत मुस्लिम तबकात के लोगों का हक देने में सरकारों ने हमेशा इनको नज़रअंदाज किया गया है। इसके लिए इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस के अहदेदारों ने ये भी फैसला लिया है कि आइंदा मुल्क के किसी भी सूबे और आम इंतखाबात में इसी सियासी पार्टी की हिमायत करेगी जो पार्टी दीगर पसमानदा तबकात के लोगों को अपनी हुकूमत में हिस्सेदारी देगी और हमारे मुतालबात को इंतखाबी मंसूर में शामिल करेगी। इसके अलावा इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस मुल्क में बढ़ रहे फिरका वाराना माहौल वो मुल्क में यकजहती को नुकसान पहुंचाने वाले हादसात और हाल ही में मुल्क के कई सूबों में मासूम नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले जिना बलजब के हादसात की हम सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस के अहदेदारान इस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मरकजी हुकूमत व सूबाई हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं जो हमारी मांगे हैं। नंबर एक, पसमानदा तबकात कमीशन को आइनी दर्जा देने के लिए सरकार काम करे। नंबर दो, पसमानदा तबकात जात फहरिस्त का ज़ेली कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल को आइन की बुनियाद पर अवामी किया जाए ताकि मुनसफाना दर्जा बंदी हुकूमत बंदी हो सके। नंबर तीन, सभी सूबों में पसमानदा तबकात के सर्टिफिकेट के लिए 5 साल के रिहायशी को बुनियाद मानकर जात सर्टिफिकेट जारी किया जाए। आप देख रहे हो कैमरे के आगे बात कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म का एहसास करते हुए आपसी भाईचारे को फरोग दिया जाए और पसमानदा तबकात को सरकार में हिस्सेदारी दी जाए। नंबर पाँच, मरकजी सरकार व सूबाई सरकार की यूनिवर्सिटियों में पसमानदा तबकात के तालिब इल्मों को रिजर्वेशन सहूलियात दी यकीनी बनाई जाए। नंबर छः, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जरिए जारी किए गए रोस्टर हुकुम की हम मुखालफत करते हैं। नंबर सात, क्रिमिनल की ज़रूरत को ख़त्म किया जाए क्योंकि ये इक्तदारी बुनियाद की हिमायत करता है जो गैर आइनी है। नंबर छः, पसमानदा जात के तालिब इल्मों को दाखिले के वक्त दिए जाने वाले क्रिमिनल सर्टिफिकेट 1 साल के बजाय 3 साल तक के लिए मंजूर किया जाए। एक मिनट।